कैसे आप लोग, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल और फन वाला होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे रॉयल आर्मी कुछ बना रहे हैं। सॉरी मैं आप लोगों को उसका फेस नहीं दिखा सकती, ये देखिए बैक कैमरा करके दिखा रुकिए मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। इसका कुछ अलग ही डिश चल रहा है, अलग लेवल का, और पता नहीं खाने में कैसा लगेगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस रॉयल आर्मी यहाँ पे अपना प्याज काट रहे हैं, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे टोमेटो लिया है, लहसुन लिया है, और यहाँ पे कुछ गरम मसाले, उधर भी कुछ है मसाले, और उधर मसाले और चिकन है ये रहा। अच्छा कुछ चिकन और कुछ चिकन बन रहा है, और उधर उसमें वो बनेगा चिकन बनेगा बिल्कुल बिहारी स्टाइल में, जो ब्लॉगर लोग बनाते हैं, आज हम घर में बना के दिखाएंगे वो चीज। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे चिकन बना रहे हैं, हमारे यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, यहाँ पे जो ऑयल है, और यहाँ पे हम लोग के बहुत सारे मसाले यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे ये गाइस तेज पत्ता और लाल मिर्च और लहसुन है, और यहाँ पे चिकन मसाला, गरम मसाला, लाल कश्मीरी मिर्च, लहसुन आदि का पेस्ट, और गाइस ये जीरा मसाला है, ठीक है। और यहाँ पे आधी थोड़ा सा मैंने अदरक काट लिया, यहाँ पे गाइस मेरा टमाटर है थोड़ा सा, और ये मैंने प्याज काटा है लगभग आधा किलो का, और ये गाइस लगभग आधा किलो का चिकन है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे गाइस बहुत सारा मसाला है, यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, बाकी गाइस वो सब डालने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है ना। बाकी गाइस चलो गाइस अभी हम लोग जल्दी से इसमें गाइस तेज पत्ता वगैरह डाल लेते हैं, जो गाइस हम लोग को अभी डालना है सबसे पहले में। देखो गाइस हम लोग इसमें डाल लिए अभी, अब अगर वीडियो बना लगा आगे दिखाता हूँ अभी आपको। सो गाइस अभी गाइस प्याज डाले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा छींटा पड़ने वाला है। दस से पंद्रह मिनट तक हम लोग भूनेंगे, क्योंकि गाइस मैंने गाइस सुना है गाइस जितना देर गाइस आप लोग चिकन या फिर मटन में गाइस प्याज वगैरह भूनते हो गाइस, तो आप लोग उतना गाइस आप लोग टेस्टी मतलब बनता है, ठीक है ना। तो गाइस अभी गाइस हम लोग इसको भूनने वाले गाइस लगभग 15 से 20 मिनट तक थोड़ा ब्राउन होने का वेट करेंगे, उसके बाद गाइस हम लोग आगे मसाला डालेंगे, तो आपको उस वीडियो का आगे दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस लगभग मैं इसमें अभी आधा चम्मच गाइस नमक डालूंगा, ठीक है, प्याज थोड़ा सा अच्छे से गल जाए, ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे एट लास्ट, थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए, ठीक है ना। सो गाइस चलो गाइस अभी गाइस हम लोग इसको मिला लेते हैं जब तक गाइस अच्छे से, फिर आपको आगे दिखाता हूँ रेसिपी में, ठीक है ना। सारी पहली बार चिकन बना रहे हैं, मैं पहली बार खा के टेस्ट करूंगी। तो गाइस पहली बार आज घर में रॉयल आर्मी चिकन बना रहे हैं, तो मैं आज पहली बार खा के टेस्ट करूंगी, देखती हूँ ये कैसा बनाया है, ये देखिए। सो गाइज अभी गाइज मैंने कहा जिसमें गाइज लहसुन डाला है, आप लोग देख रहे हो गाइज बड़ा बड़ा जो लहसुन है एकदम जैसे कि डाल दिया, अभी गाइज हम लोग इसमें आधी डालने वाले हैं यहाँ से उठा के। सो गाइज अदरक हमारा लेके इसमें डाल देते जल्दी से, और इसको गाइज अभी गाइज हम लोग कम से कम 8 से 10 मिनट और फ्राई करेंगे, थोड़ा सा लाल होने का वेट करेंगे, फिर हम लोग आके आपको बताते हैं आगे इसमें क्या क्या डालना है। और गाइज ये गाइज मेरा खुद का रेसिपी है, आप लोग देखो गाइज अभी कितना मस्त बनाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे। देख लो गाइस हमारा गाइस प्याज अभी थोड़ा सा लाल हो गया है, और लहसुन में गाइस हमारा लगभग थोड़ा थोड़ा अभी खुलना स्टार्ट हो गया लहसुन का भी कलर। तो गाइस अभी आप लोग देखो गाइस अभी गाइस हम लोग इसमें थोड़ा सा इसमें हरा मिर्च डालेंगे, इससे थोड़ा टेस्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है, थोड़ा टेस्ट गाइस अच्छा आता है, ठीक है। सो गाइस अभी गाइस इसमें गाइस लगभग गाइस हरा मिर्च गाइस अभी इसमें डाल लिया, दो हरा मिर्च, आप गाइस स्वाद अनुसार 3-4 भी डाल सकते हो, तीता जो खाते हो, लेकिन गाइस दो मैंने लिया, बाकी गाइस अभी गाइस देखो थोड़ा थोड़ा गाइस कलर ब्राउन आ गया, थोड़ा सा और वेट करो फिर आपको दिखाता हूं आगे। गाइस देखो गाइस प्याज मैंने गाइस बहुत सारा डाला था, देखो गाइस गल गया है गाइस आधा ज्यादा, मतलब 50% ज्यादा प्याज गलने वाला है, 50% हो गया है। सो अभी गाइस हम लोग इसमें गाइस सबसे पहले गाइस डालने वाले गाइस यहां पे गाइस लहसुन और आदि का पेस्ट, क्योंकि ये गाइस मसाला जब तक हमारा गाइस पक जाएगा उतना देर में हम लोग गाइस पूरा पेस्ट अभी इसमें डालने वाले, ठीक है। आप लोग देखो जैसे कि हम लोग डाल रहे हैं अभी, सो गाइस लहसुन आदि का पेस्ट हम डाले, अभी गाइस इसमें टमाटर डाल रहे हैं हम लोग स्वाद अनुसार, गाइस एक टमाटर मैंने डाला है बड़ा सा साइज का, ठीक है ना। सो गाइस अभी गाइस इसको हम लोग अच्छे तरीके से थोड़ा मिक्स कर लेंगे, और हम लोग लगभग 10 मिनट तक और गाइस इसको अच्छे से गाइस इस मसाले को पूरा मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट के साथ और प्याज और सब सिझने के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए, ठीक है ना। सो गाइस आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू करो यार, और लाइक कर देना वीडियो को। यहाँ पे देखो आप लोग कलर आ चुके गए अभी से ही गाइस, कितना मस्त कलर आ गया लाल, अभी गाइस हम लोग इसमें चिकन डालने वाले हैं। सो गाइस ये रहा गाइस हमारा चिकन, सो गाइस चिकन आप लोग देख लो गाइस यहाँ पे चिकन ये रहा गाइस हमारा लगभग गाइस आधे किलो चिकन है, ठीक है ना। तो गाइस अभी हम लोग इसमें पूरा चिकन डालेंगे गाइस एकदम मजे से, ठीक है ना। गाइस बस गाइस 1 से 2 मिनट के लिए हम लोग फ्राई करने वाले हैं अभी। सो गाइस अभी देखो आप लोग तेज आंच पे गाइस हम लोग फ्राई करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग टेस्ट कर लिए हैं ऐसे गाइस, जिससे क्या होता है गाइस कि सारा गाइस हमारा टेस्ट अभी से ही थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाएगा तेज आंच पे करेंगे तो। और चलो गाइस 2 मिनट बस रुको, फिर देखो अभी सारे मसाले भी डालने वाला हूँ इसमें। अभी गाइस ये गाइस पूरा गाइस आपको लटपट लग रहा है, बट गाइस ये गाइस अभी गाइस प्याज से और चिकन से गाइस बहुत सारा ये पानी छोड़ेगा, तब गाइस आप लोग देखना इसका कलर कुछ और खुल के आएगा, ठीक है ना। और अभी गाइस मसाला डालने जा रहा हूँ, आप लोग देखो गाइस मसाला हम लोग इसको सीजनाने के लिए छोड़ेंगे थोड़ा देर के लिए। सो गाइस देखो सबसे पहले गाइस हम लोग इसमें गाइस 1 चम्मच बस हल्दी डालेंगे, ठीक है ना। हल्दी यहाँ पर गाइस हम लोग 1 चम्मच डाल लिए है, और मिर्च गाइस हम लोग थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि यार तीता हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ मिर्च डाल दिया, ठीक है। और ये रहा गाइस हमारा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर अभी हम ले आते, धनिया पाउडर वापस है नहीं, तुरंत अभी ला देते। और ये जीरा पाउडर देखो जरा क्लियर कर दें, ठीक है ना। और धनिया पाउडर का इसमें गाइस है गाइस थोड़ा सा है, देखो आप लोग हम लोग इसको पूरा डाली, धनिया सजा डलाता है, ठीक है। ये गाइस देखा हमारा धनिया पाउडर चला गैस में, थोड़ा धीरे स्लो कर लेते हैं,
ठीक है। और गैस हमें डालना था गाइस चिकन मसाला, नहीं 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 एक मिनट ये लास्ट हो जाता है, लाल मिर्च थोड़ा सा, जैसे कि कश्मीरी मिर्च का ये है, थोड़ा सा इसको डाल जाता है हल्का सा, ज़्यादा नहीं कलर आने के लिए, ठीक है ना, इससे उतना ये नहीं होता है मतलब, ठीक है ना। चलो अभी गाइस हम इसको अच्छे से गाइस थोड़ा तेज करके मिक्स करेंगे। आप लोग देख रहे हो गाइस यहाँ पे अभी गाइस इसमें गाइस 10 से 15 मिनट बाद देखना गाइस कलर इसमें कितना खुल के आएगा, और आप लोग फिर बोलना। अभी गाइस हम लोग इसमें पानी नहीं डाले, आप लोग देखो पानी नहीं डाले, थोड़ा देर बाद हल्का सा एकदम पानी डालेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गाइस लास्ट में गाइस थोड़ा सा सटना स्टार्ट हो जाता है इस वाले टेक्सचर में, आप लोगों को पता होना चाहिए बात को। सो गाइस अभी देखो यहाँ पे अभी हमारा घूम रहा है धीरे धीरे, अब मिलते हैं आगे, चलो देख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने बोला था थोड़ा सा नीचे से सटेगा तो ठीक है, और कलर देखोगा जब इसे क्या ही कलर आ रहा है गाइस, भुन गया है गाइस, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, स्मेल तो आप लोग पागल हो जाओगे अभी सुखाओगे ना गाइस। मैं यहीं से देखो हल्का सा, इससे हल्का सा थोड़ा थोड़ा चारों साइड से पानी डालना है, ठीक है। आप लोग इधर से भी डाल सकते हो, लेकिन मेरा कहीं अलग टेक्निक है बनाने का चिकन, आप लोग गाइस अपना अपना सबका टेक्निक होता है। हम लोग इसे थोड़ा सा पानी डाल चुके हैं, ठीक है, अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे गाइस, ठीक है ना। और मसाला का जब हमारा बन और सुगंध गाइस आप लोग पूछ सकते हो गाइस मेरी दीदी से कितना मस्त आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी आ रहा है गाइस, मैं तो एक्साइटेड हूँ इसको खाने के लिए। खाने के लिए गाइस अभी सब पागल उठ के गए, आप लोग को भी गाइस खिलाने को खाने को मिलेगा वीडियो के थ्रू, और गाइस लाइक करना और शेयर करना। अगर गाइस आप लोग गाइस सौ लाइक करवाना गाइस तो मैं गाइस अपने मेन चैनल पे गाइस आपको मैं पटना गाइस एक स्ट्रीट फूड दिखाऊंगा बाहर जाकर, पक्का वादा रहा, ठीक है, लेकिन 100 लाइक होना चाहिए वीडियो पे तभी। सो लगभग गाइस यहाँ पर हम लोग 5 से 6 मिनट गाइस इसको छोड़े थे अभी ढक के, सो गाइस अभी गाइस ओपन कर लेते हैं, और आप लोग देख लो गाइस अभी से ही गाइस इसमें गाइस जो कलर आना स्टार्ट हुआ है ना गाइस, मतलब कलर देख के गाइस आप लोग मतलब पागल होने वाले हो गाइस, कलर देख लो बस, ठीक है। और गाइस ये रेसिपी गाइस आप लोग इस घर में ट्राई कर सकते हो गाइस, ये एक होटल का रेसिपी, ठीक है, मैं कहीं से सीखा नहीं हूँ, मैं गाइस ब्लॉगर लोग को देखते सीखा, और गाइस मैं आगे चलकर खुद गाइस अपने मेन चैनल ब्लॉग लाऊंगा, ठीक है ना। और गाइस आप लोग गाइस मेरे दीदी के चैनल को भी सपोर्ट करो, 100 लाइक्स कम से कम कर देना इस वीडियो पे। और अगर आप लोग गाइस मेरा कमेंट्री तो गाइस पसंद है ही, जो मेरे सब्सक्राइबर इस चैनल पे हो गए सबको पता है, ठीक है। और गाइस देखो अच्छे तरीके से इसको भून रहा हूं मैं, क्योंकि देखो अभी गाइस इसमें गाइस पानी डालो, पानी पूरा सूख चुका है, इसमें प्याज का जो कलर है ना गाइस वो आ चुका है, ठीक है ना, देखो गाइस आप लोग, और हल्का हल्का करके ऐसे सीज रहा है, मतलब पकना स्टार्ट हो गया है, देख रहे हो गाइस कलर देखो बस गाइस, अभी गाइस रोगन आएगा धीरे धीरे, ठीक है ना गाइस। तो गाइस अभी हम लोग इसको सीजने देते हैं अच्छे से, लास्ट में फिर हम लोग चिकन मसाला वगैरह डालेंगे इसमें, ठीक है ना। सो गाइस वी स्टे ट्यून्ड। तो लगभग गाइस 5 से 8 मिनट बाद फिर से गाइस छोड़ गए हम लोग, इसमें गाइस आ चुके हैं, अभी देखो हम लोग इसको अभी ओपन किए हैं, ठीक है। सो गाइस अभी जल्दी से गाइस हम लोग इसको थोड़ा सा कैमरा गाइस भाप आ गया लगता है, हाँ अभी गाइस क्लियर हो गया है। सो गाइस अभी देखो गाइस इसमें गाइस कलर जो है गाइस अभी खुल के गाइस आएगा अभी धीरे धीरे गाइस, अभी गाइस इसमें गाइस पानी गाइस थोड़ा सा छोड़ दिया, देखो जब देख रहे कलर आप लोग को दिखा दी, रुक जाओ गाइस। तो गाइस लगभग गाइस हमारा गाइस चिकन जो है गाइस लगभग गाइस हो चुका है, लगभग 80% गाइस हमारा चिकन हो चुका है, जैसे देख रहे हो गाइस, ठीक है। अभी गाइस हम लोग गाइस यहाँ पर थोड़ा सा गाइस ये काली मिर्च का पाउडर डालने वाले इसमें, सो गाइस थोड़ा सा गाइस सावधान से काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, ठीक है। और अब गाइस इसमें जाने वाला है गाइस चिकन मसाला, ठीक है। सो गाइस ये रहा गाइस अपना चिकन मसाला, गाइस चिकन मसाला गाइस थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालते हैं स्वाद आने के लिए, तो चिकन मसाला गाइस हम लोग डाल दिया, और गाइस इसमें अब जाने वाला गाइस गरम मसाला का, जिससे गाइस हमारा आज टेस्ट, ठीक है गाइस। तो हम लोगों ने गाइस गरम मसाला डाल दिया थोड़ा सा, अब गाइस सारे मसालों का जब गाइस हम लोग इसको सिझाने वाले हैं, गाइस हमारा मसाला सीज जाएगा 10 मिनट तक गाइस, और इसमें लगभग छोड़ना है हमें, और उसके बाद गाइस हमारा गाइस चिकन गाइस रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस चिकन गाइस जस्ट गाइस आप लोग देखो इस कलर देख के गाइस अभी गाइस लोग पागल होने वाले हैं, इस कलर देख के भाई आप लोग गाइस खाने के लिए गाइस मतलब अभी गाइस मेरा अभी से ही गाइस मतलब मुंह मतलब एकदम रेडी है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट करने का मन कर रहा है गाइस, क्योंकि खुद के हाथों से गाइस बनाया हुआ है ये मेरा चिकन, और गाइस लगभग गाइस ये हो चुका है, ठीक है। रोगन आप लोग देख रहे हो गाइस कितना खुल के आया, जिसमें रोगन आया, देखो गाइस आप लोग देख रहे हो रोगन कितना खुल के आया गाइस, ठीक है। चिकन का जगह हम लोग इसको उतारते हैं गाइस, चिकन गाइस बहुत ज़्यादा गाइस गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है ये, ठीक है ना गाइस, मतलब इतना हीट हो चुका है गाइस आप लोग बता नहीं सकता हूँ मैं पूरा गाइस, मतलब रोगन देखो गाइस कितना गाइस खुल के गया, इसमें रोगन आया, आप लोग रोगन देख सकते हो गाइस, लाल कलर का रोगन जो है पूरा खुल के आया, लगभग गाइस हमारा चिकन हो चुका है, 5 मिनट तक बस हम लोग भूने, हमारा गाइस चिकन यहाँ से बन के रेडी हो चुका है, हम लोग अभी इसको फाइनल टच देने वाले, और गाइस कलर देखो गाइस आप लोग खुद बोलना गाइस कमेंट करके कलर कैसा है, ठीक है। फाइनल टच गाइस हमारा ये रहा गाइस धनिया का पत्ता जो है हम लोग डालेंगे, धनिया का पत्ता, और ये रहा गाइस हमारा चिकन, एक फोटो ले लेना गाइस, देखो फोटो आप लोग ले लेना, फोटो उठा लो भाई गाइस, ये देखिए रॉयल आर्मी ने चिकन बना लिया है, और ये चिकन दिखने में कुछ ऐसा, और मैं जा रही हूँ इसको अब टेस्ट करने, मैं मार्केट चली गई थी, चलिए मैं इसको अब टेस्ट करके बताती हूँ, मैं खा के बताती हूँ कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, काफी टेस्टी गाइस। मैं आ गई अपना लंच करके, और मुझे लंच अच्छा लगा, लेकिन कैसा था, टेस्टी था क्या? हाँ टेस्टी था गाइस,
ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ग्रेवी, और वो सीजा हुआ भी बहुत अच्छा था, अंदर तक उसकी ग्रेवी और फ्लेवर अंदर तक गया हुआ था चिकन के। रॉयल आर्मी बहुत मस्त था। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग अब जल्दी आएगा। आप लोग इस ब्लॉग पे 100 लाइक करिए, तभी रॉयल आर्मी आपको यहाँ का कोई एक स्ट्रीट फूड का रिव्यू देंगे और ब्लॉग शेयर करेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए अब मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय कर दो रॉयल आर्मी, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा। और नेक्स्ट ब्लॉग में शायद आपको इसका चेहरा भी देखने को मिल जाए। बाय बाय।